नीची कृषि उत्पादकता के कारण। उसके पहले हमने पढ़ा था वर्तमान समय में भारत में कृषि की स्थिति। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं नीची कृषि उत्पादकता के कारण। भारत कृषि प्रधान देश है, इसके बावजूद यहाँ कृषि से संबंधित अनेक समस्याएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या नीची कृषि उत्पादकता है। नीची कृषि उत्पादकता अर्थात जो कृषि क्षेत्र में उत्पादन होता है वह उत्पादन की मात्रा कम होती है, उसे हम कहते हैं नीची कृषि उत्पादकता। कृषि उत्पादकता वास्तव में प्रति हेक्टर उत्पादन अथवा प्रति हेक्टर आय के संदर्भ में मापा जाता है। तो आपको एक बात में पूछा जाएगा, कृषि उत्पादकता किसके संदर्भ में मापा जाता है, तो प्रति हेक्टर उत्पादन अथवा प्रति हेक्टर आय के संदर्भ में मापा जाता है, जो विश्व स्तर पर अत्यंत नीची दिखाई पड़ती है। और इस नीची कृषि उत्पादकता के निम्नलिखित परिबल है। पहला परिबल है संस्थाकीय परिबल, दूसरा नाम है टेक्नोलॉजिकल परिबल और तीसरा नाम है अन्य परिबल। संस्थाकीय परिबल, टेक्नोलॉजिकल परिबल, अन्य परिबल, जिसे हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संस्थाकीय परिबल। सर्वप्रथम हम लेते हैं संस्थाकीय परिबल, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। भारत में किसान जिस संस्थाकीय ढांचे में रहकर खेती करता है उसे असर करने वाले भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी परिबलों को संस्थाकीय परिबल कहा जाता है। तो आपका एक प्रश्न तैयार हो गया, संस्थाकीय परिबल किसे कहा जाता है। भारत किसान जिस संस्थाकीय ढांचे में रहकर खेती करते हैं उसे असर करने वाले भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी परिबलों को संस्थाकीय परिबल कहते हैं। मतलब एक प्रकार का ढांचा, व्यवस्था तंत्र जिसके अनुसार भारत के किसान खेती करते हैं उसे संस्थाकीय ढांचा कहते हैं, और उसे भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी परिबल असर करते हैं उसे हम संस्थाकीय परिबल कहते हैं। भारत में ऐसे परिबल कृषि क्षेत्र के लिए अवरोध रूप होने के कारण कृषि क्षेत्र का विकास लगातार कम एवं निम्न स्तर का रहा है। भारत में जो परिबल है भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, ये परिबल हमेशा कृषि क्षेत्र के लिए क्या बने हैं, अवरोध रूप बने, जिसके कारण कृषि क्षेत्र का विकास लगातार कम होता रहा अथवा निम्न स्तर का रहा है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में नीची उत्पादकता देखने को मिलती है। तो ये हुआ आपका संस्थाकीय परिबल की परिभाषा। और ऐसे परिबल हमारे कृषि क्षेत्र में अवरोध रूप है, इसीलिए कृषि क्षेत्र का विकास लगातार कम एवं निम्न स्तर रहा है। इन संस्थाकीय परिबलों में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई जमीन महसूल वसूल करने के लिए, जमीन महसूल मतलब जमीन के ऊपर कर वसूल करना, जमींदारी प्रथा, महालवारी प्रथा तथा रैयतवारी प्रथा, ये जमीन महसूल वसूल करने के तीन प्रथा जो अगले पॉइंट में भी आएगा, कृषि ऋण की सुविधा, कृषि उत्पाद की विक्रय व्यवस्था, यातायात की सुविधा, जमीन मालिकी की प्रथा इत्यादि का समावेश किया जाता है। तो इस संस्था की परिबल में अंग्रेज के द्वारा शुरू की गई कौन कौन सी बातें हैं, जमीन महसूल वसूल करने के लिए तीन प्रथा, जमींदारी प्रथा, महालवारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा, इसके अलावा कृषि ऋण की सुविधा, ऋण मतलब उधार देना, कर्ज देना, कृषि उत्पाद की विक्रय व्यवस्था अर्थात कृषि में जो भी उत्पादन हो रहा है उसे विक्रय करना, बेचने की व्यवस्था, यातायात की सुविधा, यातायात अर्थात परिवहन की सुविधा, जमीन मालकी की प्रथा, जमीन मालकी अर्थात जमीन का मालिक इत्यादि का समावेश होता है। तो ये सारी चीज़ें संस्था के परिबल है, और ऐसी संस्था की परिबल अवरोधक अथवा नकारात्मक होने के कारण, ऐसे संस्था की परिबल अवरोधक अथवा नकारात्मक होने के कारण भारत में कृषि क्षेत्र में नीची उत्पादकता देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं
इस संस्था के परिवर्तन में पहला शुरुआत करेंगे जमीन महसूल वसूल करने की प्रथा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जमीन महसूल वसूल करने की तीन प्रथाएं प्रचलित थी। अभी भी मैंने कहा और अभी फिर से मैं आपको बता रहा हूं, तो एक नंबर में आपको पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जमीन महसूल वसूल करने की कितनी प्रथाएं प्रचलित थी। तीन प्रथाएं, जमींदारी प्रथा, महालवारी प्रथा और रैयतवारी प्रथा। जमींदारी प्रथा, महालवारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा, इन प्रयत्नों में जमीन पर खेती काश्तकर मतलब किसान या भूमिहीन मतलब जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती, दूसरे के जमीन पर हल चलाते थे, कृषि मजदूरों द्वारा की जाती थी। प्रत्येक प्रथा में केवल जमीन पर का किराया अथवा महसूल वसूल करने की अलग अलग पद्धति का उपयोग किया जाता था। मतलब ये तीनों प्रथा में जमीन पर का किराया वसूल करते थे, उसके ऊपर का कर लेते थे जिसे अलग अलग पद्धति से तैयार करते थे, जिसके अंतर्गत जमींदार कुल कृषि उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए के स्वरूप में वसूल करता था। मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ कि जमीन महसूल वसूल करने की तीन प्रथाएं थी, जमींदारी प्रथा, महालवारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा। ये तीनों प्रथा खेती में काम करने वाले भूमिहीन कृषि मजदूर या खेती में काम करने वाले काश्तकार किसान के द्वारा की जाती थी। इसमें जमीन पर का किराया होता था, उसका कर होता था जिसे अलग अलग पद्धति से वसूल किया जाता था। तो आपको मैंने बताया कि तीन प्रकार की महसूल वसूल करने की प्रथा थी, जिसके अंतर्गत जमींदार कुल कृषि उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए के स्वरूप में वसूल करता था, अथवा किसानों का केवल जीवन निर्वाह हो सके उतना कृषि उत्पादन छोड़कर शेष तमाम कृषि उत्पादन वे अनिवार्य रूप से वसूल कर लेते थे। एक और भी तरीका था वसूल करने का, जितना खेत में उत्पादन हुआ उसमें से उस किसान के जीवन के गुजारने के लिए मतलब उनका जीवन यापन करने के लिए जितना चाहिए उतना अनाज छोड़कर बाकी सारा अनाज वह वसूली के रूप में ले लेते थे, जिसके कारण खेती करने वाले वर्ग को कृषि उत्पादन बढ़ाने में कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़े ऐसे नवीन संशोधनों का उपयोग करने के लिए तैयार न थे, जिसके कारण कृषि उत्पादन लगभग स्थिर था। अब क्यों नहीं वो उत्पादन बढ़ाना चाहते थे? क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर हम उत्पादन बढ़ा भी ले तो हमें इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे हिस्से में तो उतना ही अनाज आएगा जितना हमारे जीवन यापन के लिए उपयोगी है, बाकी सारा का सारा अनाज जमीन महसूल प्रथा में चली जाएगी। इसीलिए अगर वो ऐसा भी विचार कर लेते कि हम इस बार 100 किलो की जगह 200 किलो गेहूँ उगा लें, तो भी उनके हिस्से में तो 10 या 15 किलो जो रखा रहता था, जो हिस्सा था वही आता, बाकी का सबका सब जमीन महसूल वसूल में चले जाते। इसलिए वह कृषि का उत्पादन बढ़ाना नहीं चाहते थे। स्वतंत्रता के पूर्व जोते उसकी जमीन के कानून अंतर्गत जोत अधिकार सलामती और किराया नियमन संबंधी कानून बनाए गए, किंतु इस कानून का संपूर्ण अमल न होने के कारण किसानों के प्रति हो रहे शोषण को रोका नहीं जा सका। कानून बना आज़ादी के बाद जोते उसकी जमीन, जो जमीन को जोतेगा, जमीन पे हल चलाएगा, जमीन उसी की होगी, ऐसा कानून बनाया गया, लेकिन इसका अमल सही ढंग से ना होने के कारण किसानों का शोषण लगातार होता रहा। तो संस्था की परिबल में हमने पहली जानकारी ली जमीन महसूल वसूल करने की प्रथा, जिसमें आपने देखा कि कृषि का उत्पादन जमीन पर खेती करने वाला काश्तकार या भूमिहीन कृषि मजदूर कितना भी उत्पादन करे तो भी उसे जीवन निर्वाह हो सके उतना कृषि उतना अनाज छोड़कर शेष तमाम कृषि उत्पादन या बाकी का अनाज
जमीन महसूल के रूप में वसूल कर लेते थे। इसलिए किसान वर्ग कृषि उत्पादन को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे या उन्हें किसी भी प्रकार की इसमें रुचि नहीं थी। अब हम दूसरे संस्था की परिबल के नाम के बारे में पढ़ेंगे। संस्था की परिबल का दूसरा नाम है कृषि ऋण। भारत में ज़्यादातर किसान गरीब हैं, जिन्हें प्रत्येक फसल के पूर्व मतलब नई फसल लगाने के पहले कृषि ऋण की आवश्यकता होती है। इस कृषि ऋण के द्वारा वे बीज, रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवाइयाँ इत्यादि खरीदने के लिए सक्षम हो पाते हैं, जिससे उत्पादन प्रक्रिया संभव हो पाती है। यानी हमेशा हर साल जब भी वह नया बीज लगाता है, नया फसल लगाता है, उसके पहले उसे बीज खरीदने के लिए, रासायनिक खाद खरीदने के लिए, जंतुनाशक दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, जिसे वह कृषि ऋण के द्वारा पूरा करता है और उत्पादन प्रक्रिया को संभव बनाता है। किंतु स्वतंत्रता काल से ही, स्वतंत्रता मतलब जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी, तब से कृषि ऋण के क्षेत्र में निजी ऋण देने वालों की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली। निजी ऋण मतलब जमींदार लोग, सराफा लोग, है ना, या मुनि या बड़े बड़े जो श्रीमंत लोग होते थे, वो लोगों से किसान ऋण लेते थे। भारत में 1951 में एक अंदाज के अनुसार 71% याद रखिएगा, प्रतिशत विकल्प में खाली जगह में आएगा, 71.6% कृषि ऋण सराफी पीढ़ी द्वारा किया जाता था और इसके द्वारा जो ब्याज मिलता था वह ऋण किसानों को अत्यंत ऊंचे ब्याज दर पर उपलब्ध करवाते थे। इसके अतिरिक्त हिसाब में गड़बड़ी करके वे गरीब किसानों का शोषण भी करते थे, इसलिए गरीब किसान अत्यंत गरीब ही रह जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों का विस्तार बढ़ाकर इस प्रकार का ऋण देने वाले व्यवसायी का महत्व कम करने में सफलता प्राप्त की। सरकार ने 1975 से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और 1982 से नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाम आपको एक नंबर में पूछा जाएगा, की रचना करके संस्था की कृषि ऋण को विस्तृत किया है। इस सघन प्रयासों के कारण वर्तमान समय में सराफी पीढ़ी द्वारा लोगों को दिया जाने वाला ऋण घटकर 27% हो गया। पहले ये कितना था, 71.6%, और आज वर्तमान में कितना प्रतिशत हो गया, 27% हो गया। तो इस तरह से सरकार ने बैंकों को राष्ट्र स्तर पर विकसित किया और जो निजी क्षेत्र से उन्हें जो ऋण लेना पड़ता था वह ऋण की मात्रा को कम कर दिया, जिससे कि किसान को ऊंचा ब्याज दर चुकाना ना पड़े। इन तमाम तथ्यों पर से सिद्ध होता है कि किसानों को संस्था की कृषि ऋण के बजाय सरीफी पीढ़ी से कृषि ऋण लेना महंगा पड़ता था, जिससे किसानों को कृषि क्षेत्र से होने वाला लाभ नहीवत था। क्यों नहीवत था, क्योंकि वो जितना उत्पादन करते थे उनको बेचने पर जो पैसा मिलता था वह उन्हें ऋण चुकाने में और ऋण पर लगाया गया ब्याज चुकाने में चला जाता था, इसलिए उनका लाभ जो है नहीवत था। इसलिए किसानों को अधिक उत्पादन प्राप्त करना या कृषि व्यवसाय में काम करने का आकर्षण घटने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में उत्पादकता लगातार घटती गई। तीसरा आता है संस्था की परिबल में कृषि उत्पादन की विक्रय व्यवस्था। भारत में कमजोर आर्थिक ढांचा, गलती हो गई फिर से बोल रहा हूँ, भारत में कमजोर आंतरिक ढांचा के कारण अत्यंत दूर ग्रामीण विस्तारों और कृषि बाजारों को जोड़ने वाली सड़क या यातायात की योग्य सुविधा पर्याप्त नहीं है। यानी जो कृषि क्षेत्र में उत्पादन हुआ उसका सही कीमत मिले, उसे मंडी में बाजार में ले जाकर बेचने के लिए जो विक्रय की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क यातायात की जो सुविधा होनी चाहिए, वह सुविधा योग्य ना होने के कारण ग्रामीण विस्तारों में किसानों को सही कीमत मिल पाता नहीं है। कृषि बाजारों में कृषि उत्पादन के बाद का बाजार भाव
और मौसम के अंत में प्राप्त भाव के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ज्यादातर कृषि उत्पादन के ऊंचे भाव का लाभ किसानों के बदले व्यापारियों और संग्रहखोरों को प्राप्त होता है। आपने देखा इसके अंदर कि कृषि बाजार में कृषि उत्पादन के बाद का बाजार भाव और मौसम के अंत में प्राप्त होने वाला भाव, दोनों में बड़ा अंतर है। जैसे उत्पादन होने के बाद अगर किसान बेचने के लिए बाजार में आता है तो उसे सस्ते कीमत पर बेचना पड़ता है, लेकिन जब मौसम आने पर वही अनाज उसे खरीदना पड़ता है तो काफ़ी महंगे कीमत पर उसे मिलता है। तो ये दोनों के बीच जो अंतर है, उस अंतर का लाभ सिर्फ व्यापारियों और संग्रहखोरों को मिलता था। व्यापारी सस्ते कीमत में किसानों से अनाज खरीद लेते और महंगे कीमत में उसे बाजार में बेचते थे। संग्रहखोरी लोग सस्ते कीमत पर अनाजों को खरीद कर अपने गोदाम में जमा कर लेते और जब उसका दाम बढ़ जाता तो उसे महंगी कीमत में बेचते, क्योंकि जब नई फसल लगानी होती है तो किसानों को अनाज की आवश्यकता पड़ती है और वह अनाज उन्हें महंगी कीमत में दिया जाता था। कर्ज में डूबे किसानों को कर्ज का भुगतान करने के लिए वे अपने कृषि उत्पादन को कई बार उत्पादन के पूर्व ही स्थानीय साहूकारों या दलालों को बेच देना पड़ता है। जब ऋण उनको चुकाने की बारी आती है और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है या कोई रास्ता नहीं बचता, तब वो अपने फसलों को खेतों में लगे होने के बावजूद और साहूकारों को या दलालों को बेच देते हैं। किसान बाजार की स्थिति से अज्ञात होते हैं। वे बाजार भाव, विक्रय पद्धति इत्यादि के ज्ञान के अभाव में वे अपने कृषि उत्पादन का अपेक्षित, मतलब जितना उनको मिलना चाहिए उतना मुआवजा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप वे निराशावादी बन जाते हैं, अर्थात वो निराश हो जाते हैं कि जितना हम मेहनत करते हैं, जितना हम लागत या पूंजी लगाते हैं, उतना हमें प्राप्त हो पाता नहीं है। तो आपने देखा कृषि उत्पादन की विक्रय व्यवस्था सफल ना होने के कारण, योग्य सुविधा प्राप्त ना होने के कारण किसानों को अपने अनाज का सही कीमत, सही मूल्य नहीं मिल पाता, जिसके कारण वह गरीब का गरीब रह जाता है और वह निराश होकर कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं होता। संस्था की परिबल का चौथा नंबर है ग्रामीण समाज व्यवस्था। भारत के ज़्यादातर किसान प्रारब्धवादी हैं और अल्प जानकारी रखते हैं। प्रभावादी मतलब संकुचित दिमाग वाले, परंपरागत ढंग से सोचने वाले, और अल्प जानकारी मतलब कम ज्ञान रखने वाले, कम पढ़े लिखे लोग हैं। ग्रामीण समाज प्राचीन परंपरा, व्यवस्था और रीति रिवाजों से बंधे होते हैं। वे मूलभूत रूप से प्रभावादी होने के कारण ईश्वर द्वारा दी गई समस्याएँ या अभाव की स्थिति का आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। यानी उनके जीवन में कोई भी समस्या होती है, मान लीजिए कि कम भाव में अनाज बिका और उसके कारण गरीबी आए, तो ये मान लेते हैं कि ये ईश्वर की कृपा है, यही हमारे नसीब में, यही इतना ही हमारे भाग में पाना लिखा है, ऐसा सोचकर वो निराश हो जाते हैं। इसे कहते हैं प्रारब्धवादी कहते हैं, ठीक है। जिससे वे अपना जीवन निर्वाह हो सके उतनी खेती करके संतुष्ट हो जाते हैं। उनमें आर्थिक विकास, कृषि क्षेत्र का विकास, आय में वृद्धि करना जैसी प्रेरणा विलासाएं नहीं होती, जिज्ञासाएं नहीं होती कि नहीं हमें इतना ही कम उत्पादन क्यों हुआ, हमें इतना ही कम लाभ क्यों बिना, हमें और अधिक लाभ पाना है, ऐसा उनके यहाँ उत्साह रहता नहीं, प्रेरणा स्रोत नहीं रहता, जिसके कारण ग्रामीण अर्थतंत्र का केंद्र रहे कृषि क्षेत्र में नीची उत्पादकता देखने को मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पहला परिबल लिया संस्था की परिबल, जिसमें चार नाम को हमने जाना, चार परिबल पढ़े संस्था की परिबल में। अब हम दूसरा परिबल लेते हैं जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल परिबल। भारत के कृषि क्षेत्र में फसल के संदर्भ में परंपरागत एवं प्राचीन उत्पादन पद्धति का उपयोग देखने को मिलता है। कृषि के अत्यंत पुराने उपकरण अर्थात साधन, यंत्र भी बोल सकते हैं, प्राचीन विचारधाराएं, पद्धति इत्यादि कृषि क्षेत्र को कमजोर बनाते हैं। वर्तमान समय में भी भारतीय किसान ट्रैक्टर के बदले बैल और हल का उपयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं।
उन्नत किस्म के बीज के बदले परंपरागत बीज का उपयोग करते हैं। उन्नत किस्म मतलब जो आज के आधुनिक सुधरे हुए बीज होते हैं उसके बदले में पुराने बीज का उपयोग करते हैं, जो अत्यंत नीची उत्पादकता देते हैं। रासायनिक खाद के बदले प्राकृतिक खाद का उपयोग भी नीची कृषि उत्पादकता के लिए कारणभूत है। फसल सुरक्षा के लिए जंतुनाशक दवाइयाँ और नई पद्धतियों का उपयोग भारत का किसान बहुत कम प्रमाण में करता है, जिसके कारण हमारे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता हमेशा नीची दिखाई देती है। तो ये आपका टेक्नोलॉजिकल परिबल हुआ, जिसमें बताया गया है कि भारत के किसान कृषि क्षेत्र में फसल के संदर्भ में परंपरागत और प्राचीन उत्पादन पद्धति का उपयोग करते हैं। अत्यंत पुराने यंत्र, प्राचीन विचारधाराएं, पद्धति इत्यादि कृषि क्षेत्र को कमजोर बनाते हैं। आज भी भारतीय किसान ट्रैक्टर के बदले बैल और हल का उपयोग करते हैं, उन्नत किस्म के बीज के बदले परंपरागत बीज का उपयोग करते हैं, जो नीची उत्पादकता का कारण है। रासायनिक खाद के बदले प्राकृतिक खाद का उपयोग करते हैं। अब हम अंतिम परिबल की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है अन्य परिबल। अन्य परिबल जिसमें पहला नाम है जनसंख्या का बोझ। भारत में कृषि क्षेत्र की नीची उत्पादकता का मुख्य कारण कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ है। कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या के बढ़ते बोझ कृषि क्षेत्र पर रोजगार के लिए आधारित लोगों की संख्या के आधार पर समझा जा सकता है। भारत की स्वतंत्रता के दौरान देश के 72% लोग रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर आधारित थे। यह प्रतिशत प्रमाण वर्ष 2001-2002 में घटकर 58% जितनी हो गई, जबकि 2013-14 में कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करने वाली जनसंख्या का प्रमाण 49% के आसपास रहा है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र पर का रोजगार का भार घटा यानी घटने के बावजूद अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। इससे ये पता चलता है जनसंख्या के बोझ से कि भारत में कृषि क्षेत्र की नीची उत्पादकता का मुख्य कारण एक है जनसंख्या का बढ़ता बोझ, जिसमें बताया गया है कि भारत देश के आज़ाद होने के बाद भी 72% लोग रोजगार के लिए किस पर निर्भर है, कृषि क्षेत्र पर। 2001 और 2 में ये मात्रा कितनी थी, 58%, लेकिन 2013-14 में ये घटकर 49% हो गया। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आज भी इसमें काफ़ी अधिक रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। अन्य परिबल में दूसरा नाम आता है आर्थिक आयोजन का अभाव। भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के लिए बनाई थी, किंतु दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से भारत का आर्थिक आयोजन उद्योग केंद्रित ही रहा है। भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर जितना प्रयत्न, समय और खर्च किया, उतना महत्व यदि कृषि क्षेत्र को दिया होता तो आज कृषि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त करते। 1956 का जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था वो आर्थिक आयोजन उद्योग को केंद्रित था। कहने का अर्थ है कि भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर जितना प्रयत्न किया, समय और पैसा खर्च किया, उतना कृषि क्षेत्र को महत्व नहीं दिया। सारांश में ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय कृषि क्षेत्र अनियमित और मंद गति से विकास करने वाला क्षेत्र होने के कारण सरकार भी कृषि क्षेत्र को अपेक्षित सहायता देने में असमर्थ रही है। इसी कारण भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। अर्थात भारत ने जितना उद्योग क्षेत्र को महत्व दिया, समय दिया, पैसे खर्च किए, उतना अगर उसने कृषि क्षेत्र को महत्व दिया होता तो आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोजगार देते और हमारा कृषि क्षेत्र का विकास दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे आगे होता। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने प्रश्न हल किया नीची कृषि उत्पादकता के कारण, जिसके तीन कारण थे, तीन परिबल थे, संस्थाकीय परिबल, दूसरा टेक्नोलॉजिकल परिबल और तीसरा अन्य परिबल।